अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली कुछ आइडियाज़ जो कि आपकी ड्रेस डिज़ाइनिंग में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने आइडिया नंबर 1 से। तो यहाँ पे आपने अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग इस तरह से मल्टी कलर में फैब्रिक ले लेना है, उसकी स्क्वायर चकोर पट्टियाँ इस तरह से चकोर पीसेस कट कर लेने हैं। साइज अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं, 2.5 इंचेस भी रख सकते हैं और 3 इंचेस भी रख सकते हैं। बस आपने स्क्वायर की इस तरह से शेप में फैब्रिक को कट कर लेना है। 2 कलर में भी आप रख सकते हैं इसको, और आप चाहें तो मल्टी कलर भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपने जहाँ पे ये डिज़ाइन बनाना हो उसकी उल्टी साइड पे आपने रखना है, फैब्रिक की उल्टी साइड पे इस तरह से इन स्क्वायर पीसेस को रख के इस तरह से स्टिच करना है। बस यहाँ पे आपने ध्यान रखना कि पट्टियाँ आपकी बराबर बराबर कटी हों। अब यहाँ पे इसको मैंने स्टिच कर ली है। अब इसके बाद इसको कर लेना है प्रेस, यहाँ से इसको मैं बराबर कर लूँ। अब इसको इस तरह से पलट के अच्छे से प्रेस कर लेना है ताकि ये बैठ जाए। यहाँ पे देखिए इसको मैंने प्रेस कर लिया है। अब इसके बाद इसको इस तरह से पहले आपने कट, जहाँ तक सिलाई लगी हुई ना वहाँ तक इसको आपने कट कर लेना है, सिलाई से आगे नहीं, सिलाई तक ही कट करना है। इसके बाद इसको इस तरह से फोल्ड करना है और इस तरह से फोल्ड करके इस तरह से ट्रायंगुलर शेप बना लेनी है। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसके कच्चे हिस्से को हमने किस तरह से कवर करना है। एक्स्ट्रा पट्टी यूज़ नहीं करनी पड़ेगी, उसके कच्चे हिस्से भी कवर हो जाएंगे। इस तरह से इसको फोल्ड करते हुए जैसे ट्रायंगुलर शेप बनाते जाना है और इसके ऊपर सिलाई लगाते जाना है। यहाँ पे देखिए सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली। अब जितना आपने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया होगा मार्जिन का, उल्टी साइड से देखिए फिनिशिंग आ जाती है इस तरह से। अब ये इसकी सीधी साइड है जिसमें कच्चे सिरे नज़र आ रहे हैं। तो आपने करना क्या है, जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक आपने लिया होगा मार्जिन का उसको इसके ऊपर फोल्ड कर देना है। यहाँ पर आपने बस 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है अगर आप ये डिज़ाइन बना रहे हैं, और इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगाते जाना है। यहाँ पे देखिए किनारे की सिलाई लगा ली। अब इसके ऊपर इस तरह से एक और सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे देखिए इतनी आसानी के साथ आपका ये ट्रेंडिंग सा डिज़ाइन बन के तैयार हो जाएगा। अब इसके बाद चलते हैं अपने आइडिया नंबर 2 की तरफ। यहाँ पे देखिए मेरे पास बॉर्डर है। अब इसको मैंने स्टिच करना है, तो यहाँ पे इस तरह से किनारे की सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ पे कॉर्नर तो सभी बना लेते, लेकिन मसला ये आता है कि जब हम कॉर्नर बनाते तो हमें ऊपर उसकी सिलाई लगानी होती है। यहाँ मैं आपको गुम तरीके से बताऊँगी। इस तरह से आपने फैब्रिक को टर्न करना है, ये देखें जहाँ पर आपने कॉर्नर बनाना है। अब जितनी इस पट्टी की चौड़ाई है उतना पीछे मैं सिलाई को रोक लूँगी, और यहाँ से इस तरह से इस बॉर्डर को टर्न कर लेना है। ये देखें ठीक है, सिलाई आपने इतनी पीछे रोकनी है जितना इस बॉर्डर की चौड़ाई होगी। अब जो बॉर्डर आप यूज़ करेंगे चौड़ाई आपने उतनी ही रखनी है, बस सिलाई को आपने उतना पीछे रोक लेना है। यहाँ पे मेरे पास तकरीबन 1 इंच का बॉर्डर है, तो मैंने 1 इंच पहले इस तरह से सिलाई रोक ली बॉर्डर को फोल्ड करने से पहले। और इसके बाद जब इसको फोल्ड कर लिया, इसको इस तरह से ऊपर की तरफ ले जाना है। देखिए ये बिल्कुल जो सुई है उसके पास इसका किनारा चला गया इस बॉर्डर का। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा प्रेस कर लेना है ताकि इसकी क्रीज लाइन आ जाए। नीडल को आपने और धागे को यहाँ से नहीं निकालना, बस नीडल आपने फैब्रिक के अंदर ही रखनी है। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास क्रीज सी बन गई। अब उसी क्रीज के ऊपर मैं बिना धागा कट किए सिलाई लगा लूँगी। ये देखिए यहाँ पे नज़र भी आ रही है, इसी के ऊपर सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से जब आप कॉर्नर बनाएंगे तो आपको ऊपर सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा वो अंदर ही कवर हो जाएगा गुम तरीके से। अब यहाँ से सिलाई को कट नहीं करना, धागे को इसी के ऊपर डबल सिलाई लगा के दोबारा से वहीं पे प्रेशर फुट को ले जाना है जहाँ से सिलाई शुरू की थी। ये देखें अब यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लें नीचे से। यहाँ पे देखें इसका कॉलर भी बन गया और सिलाई हमारी गुम हो जाएगी, ऊपर सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं सिलाई लगा लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ करीब से। इतनी फिनिशिंग से हमारा कॉर्नर गुम तरीके से बन जाएगा और ऊपर सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से आप लेस वगैरह भी लगा सकते हैं और बॉर्डर वगैरह भी स्टिच कर सकते हैं या फैब्रिक की पट्टी बना के भी इसी तरह से स्टिच कर सकते हैं। जब भी आप डिज़ाइनिंग करें तो सिलाइयाँ कम से कम लगाएं डिज़ाइनिंग में, ताकि आपकी डिज़ाइनिंग में फिनिशिंग आए। यहाँ पे धागा कम हो गया लेकिन कॉर्नर तो मेरा बन गया, तो मैं इसको यहीं से कट कर लेती हूँ। यहाँ पे देखिए गुम तरीके से कॉर्नर बन गया और ऊपर इसकी सिलाई नहीं आई और ना ही आपको वहाँ से धागा कट करने की ज़रूरत पड़ी है। आई होप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।